गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। आप सभी का ओबली प्रेप्स में स्वागत है। माय नेम इज आकांक्षा सेना और हम आज मंडे क्विज सेक्शन करेंगे। और ये जो क्विज सेक्शन रहेगा ये आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम आज के जो क्विज सेक्शन है उसमें कवर करेंगे पिछले हफ्ते यानी कि 8 से 14 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम आज कवर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्विज सेक्शन को। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ फीफा काउंसिल मेंबर, यानी कि फीफा परिषद के सदस्य का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय किसे चुना गया। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ज्ञानी इन्फ्लांटिनो, ऑप्शन बी क्लाइमेक्स लॉरेंस, ऑप्शन सी प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन डी सुनील अरोरा। तो इसका आंसर क्या है ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन है जो कि फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी प्रफुल्ल पटेल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अप्रैल 1, ऑप्शन बी अप्रैल 4, ऑप्शन सी अप्रैल 7 या ऑप्शन डी अप्रैल 8। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अप्रैल 7। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैलोर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वीरता दिवस कब मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 अप्रैल या ऑप्शन डी 9 अप्रैल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 9 अप्रैल, यानी कि 9 अप्रैल को वीरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, यानी कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माइक पेंस, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी प्रफुल्ल पटेल या ऑप्शन डी ज्ञानी इन्फ्लांटिनो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ज्ञानी इन्फ्लांटिनो। तो ज्ञानी इन्फ्लांटिनो जो है वो फीफा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT फॉर्मड अ कमिटी टू लुक इनटू द एलिजिड इरोजन ऑफ डैश फ्लड प्लेन, यानी कि किसके बाढ़ के कथित कटाव की जांच करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने समिति का गठन किया है। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी गंगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यमुना। तो यमुना फ्लड प्लेन के कथित कटाव की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया, और ये किसने गठन किया ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर इज रिलीज्ड बाय विच गवर्नमेंट, यानी कि किसकी सरकार ने ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर को जारी किया। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी USA। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी UK। तो UK की सरकार ने ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर को जारी किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कंट्रीज विच ज्वाइंटली पार्टिसिपेट इन मित्रा शक्ति, यानी कि उन देशों का नाम बताइए जो संयुक्त रूप से मित्र शक्ति में भाग लेते हैं। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी USA एंड इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड इंडिया या ऑप्शन डी बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति संयुक्त रूप से इसमें भाग लेते हैं, मित्र शक्ति में ये लोग भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, होम्योपैथी वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई थी। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक या ऑप्शन डी जॉर्ज पलाडे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, यानी कि अभी किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हरिंदर सिंह, ऑप्शन डी ग्राहम रीड,
ऑप्शन सी शिवेंद्र सिंह या ऑप्शन डी जॉर्ज मैरिजने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्राहम रीड। तो ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु इज प्रेजेंटली द सीईओ ऑफ यूट्यूब, यानी कि वर्तमान में यूट्यूब का सीईओ कौन है। योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए सुजान वोत्सकी, ऑप्शन बी चार्ल्स हर्ले, ऑप्शन सी जावेद करीम या ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुजान वोत्सकी। तो सुजान वोत्सकी यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्ड सीआरपीएफ ट्रूप्स, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद सीआरपीएफ सैनिकों के परिवार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इनमें से वो कौन सा ऐप है ये हमें बताना है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वीर परिवार, ऑप्शन बी वीर सीआरपीएफ, ऑप्शन सी परिवार शक्ति या ऑप्शन डी वीर शक्ति। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वीर परिवार। तो वीर परिवार ऐप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद सीआरपीएफ सैनिकों के परिवार के लिए लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच इज द अर्थ हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजुंगा, ऑप्शन सी K2 या ऑप्शन डी नंदा देवी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डैश पार्लियामेंट हैज वोटेड टू बैन सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, यानी कि इनमें से किसकी संसद ने अर्धस्वचालित हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इंडिया। तो न्यूजीलैंड की संसद ने अर्धस्वचालित हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच इंडियन क्रिकेटर नेम्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर, यानी कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के नाम से, यानी कि अग्रणी क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है। कौन क्रिकेटर इनमें से जाना जाता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विराट कोहली। तो विराट कोहली विजडन के अग्रणी क्रिकेटर यानी या फिर लीडिंग क्रिकेटर के नाम से जाने जा रहे हैं, यानी कि इस साल ने यानी कि विराट कोहली को ये विजडन लीडिंग क्रिकेटर का टाइटल मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेम द रीसेंट इंडो सिंगापुर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि हाल ही में हुए भारत सिंगापुर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वीर शक्ति 2019, ऑप्शन बी सुरक्षा शक्ति 2019, ऑप्शन सी बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 या ऑप्शन डी ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। तो हाल ही में हुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 में भारत और सिंगापुर ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Whom do UAE has announced as the guest honor country at the 29th Abu Dhabi International Book Fair ADIBF 2019? तो इस ADIBF को यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है 29th Abu Dhabi International Book Fair। तो UAE ने 29वें Abu Dhabi अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किसे सम्मानित देश के रूप में बुलाया है। Your options are option A श्रीलंका, option B ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी इंडिया। तो इंडिया को यानी कि भारत को इस ADIBF 2019 में सम्मानित देश के रूप में बुलाया है UAE ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज जलियांवाला बाग मासेके ऑकर्ड, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 12 जून 1914, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 12 मई 1917 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 13 अप्रैल
1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव इनमें से कौन सा था। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी यूरी गगरीन, ऑप्शन डी कल्पना चावला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूरी गगरीन। तो यूरी गगरीन पहले मानव थे जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फर्स्ट एवर फोटोग्राफ ब्लैक होल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें जरूर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एवर फोटोग्राफ्ड ब्लैक होल को क्या नाम दिया गया, यानी कि जो ब्लैक होल की पहली फोटोग्राफ जो ली गई है उसको क्या नाम दिया गया है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पोया क्यूरियस, ऑप्शन बी पोवेही, ऑप्शन सी ब्लैक पिक्चर या ऑप्शन डी डार्क सोर्स पिक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोवेही। तो उस पहली फोटोग्राफ, उस ब्लैक होल की पहली फोटोग्राफ का नाम दिया गया है पोवेही। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के पिता के रूप से जाने जाते हैं। तो आज का मंडे क्विज हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको हमारा क्विज अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।